आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। मेरे साथ जन सेवा क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलग जी मौजूद हैं। अंकित जी, कैसे देख रहे हैं कि जो आपका इतना लंबा समय, जो आप 3 सितंबर को जिस प्रकार से आपने पार्टी का गठन किया 2021 में, और अब आपने नामांकन फॉर्म भरवाया, इस बार पहली बार आपने लोकसभा चुनाव भी लड़ा है, कैसा संघर्ष, कैसा कुछ सीखने को, कैसे लोगों से मिलना, दो दो बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता आपके सामने, वो भी एक 4 बार के सांसद, एक बार 5 बार के सांसद, तो इनको कैसे देख रहे हैं आप, और अब अपने आप को कहाँ खड़ा महसूस कर रहे हैं? देखिए, 3 सितंबर 2021 को जनसेवक क्रांति पार्टी का जन्म गुरुग्राम से हुआ था, और आज 3 साल हो गए हैं पार्टी को, और 3 साल के अंदर पार्टी ने पूरे गुरुग्राम के अंदर अपना परिचय दिया है, लोगों की समस्याओं को सुना है, और ये माना है कि गुरुग्राम की हर डगर पे घाव है, गुरुग्राम की हर मोहल्ले में, हर व्यक्ति पे घाव हैं, और ये घाव देने वाले और कोई नहीं, हमारे नेताजी हैं, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो सांसद हों। और इन 3 साल में हम लोगों ने लोगों की समस्याओं को सुना है, उनका समाधान कराया है, और सेवा भाव से पूरे 3 साल पार्टी काम करती आई है। और सौभाग्य से हमको हमारा पहला जो चुनाव आया वो लोकसभा का आया, हालांकि हमारा विचार नहीं था लोकसभा लड़ने का, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाता, क्योंकि हमने उतनी मेहनत इस 9 विधानसभाओं में नहीं की थी, जबकि हमने गुड़गांव विधानसभा और आसपास के 1-2 विधानसभाओं में काम किया था। लेकिन मैं मान रहा हूँ, जैसे हमने अनाउंस किया भाई विजय यादव श्रीकोपुर हमारे प्रत्याशी हैं उनको, उसके बाद लोगों का प्यार समर्थन एकदम से आया कि अच्छी बात है कि हमारे को भाजपा और कांग्रेस के अलावा एक विकल्प मिल रहा है, और लोग हमें प्यार दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, और लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा जो वोट है वो उनको देने के बजाय हम एक ऐसे व्यक्ति को दे जो हमारे बीच का हो, स्थानीय हो, जो हमारे मुद्दों पे बात करे, जो किसी के नाम की राजनीति न करे, सिर्फ काम की राजनीति करे। तो मैं समझता हूँ इस 20 दिन के अंदर जो हमारा प्रचार हुआ है, जिसमें 35 से ज़्यादा सभाएं हुई हैं, जिसमें हमारा नामांकन रैली हुई थी, जिसमें हम लोग होम मीटिंग्स हमने की, तो लोग सच में बदलाव चाहते हैं, लोग सच में एक उम्मीद दिखा रहे हैं राजनीति की। अलग जी, सामने विधानसभा चुनाव भी है 4 महीने बाद, क्या आगे भी लड़ाई आपकी चलती रहेगी, संघर्ष चलता रहेगा, चुनाव लड़ा जाएगा? लोग बाग बड़ी उम्मीद से आपके वोटर हैं, वो भी ये भी चाहते हैं। देखिए, मैं नव समाचार के सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ, पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ रही है, और इस लोकसभा चुनाव में पार्टी सीख भी रही है, हार जीत की परवाह किए बिना आप वोट डालिए, गैस सिलेंडर को वोट डालिए, क्योंकि आपका वोट हमें ताकत देगा, हौसला देगा, और एक कुछ सिखाएगा भी, और पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम से उतरेगी, और गुड़गांव विधानसभा से मैं खुद आपका भाई अंकित अलग इस विधानसभा में जरूर लड़ेगा, संघर्ष करेगा, और इस विधानसभा की तरक्की के लिए आपसे उम्मीद करेगा। तो मैं खुद विधानसभा लड़ने जा रहा हूं, और 4 महीने बाद आपको इसका प्रमाण भी मिलेगा। अलग जी, 25 तारीख एक दिन बीच में है, आज 23 तारीख है, 25 तारीख को आज जिस प्रकार से चुनाव प्रचार थम गया है, अब वोटिंग की बात है, लोगों से अपनी अपने नेता अपनी अपील करेंगे, ये 2 दिन लोगों से गुप्त रास्ते से मुलाकात भी करेंगे, तो अब आप अपने 25 तारीख को मतदान केंद्र पर जाके मतदान करें, उसके लिए क्या अपील करते हैं अपने पार्टी के जितने भी आपके वोटर्स हैं उनके लिए? मैं गुरुग्राम लोकसभा में जितने भी वोटर्स आते हैं, आपके सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए आप इस बार वोट ज़रूर करें, और वोट आप किसी को हौसला देने के लिए करें, और वोट आप 12 नंबर EVM पे गैस के सिलेंडर को दबा कर करें, और आपका वोट हमें हौसला देगा, हमें ताकत देगा, और मैं आपको भरोसा देता हूँ कि आपको हम निराश नहीं करेंगे। 25 मई भूल ना जाना, गैस के सिलेंडर का बटन दबाना, और गुरुग्राम के अंदर परिवर्तन लाना। जय हिंद, जय भारत।